भाई आप लोग भी इसी प्रकार के डेकोरेशन लाइट बनाना चाहते हो? जी हाँ गाइस, तो काफी ज्यादा ये डेकोरेशन लाइट अमेजिंग होने वाला है और एकदम इजी वे में और एकदम लो कॉस्ट में से बना सकते हो घर पर। ज्यादा लाम जाम नहीं यार, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यार बहुत ही मेहनत करते हैं तब जाके एक वीडियो कंप्लीट होता है। और आप लोगों ने तो 900 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द पूरा कर दिया, 1K के बहुत ही करीब है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के मजेदार आइडिया के लिए सब्सक्राइब करने पर आपको ही फायदा है ज्यादा। तो चलिए ज्यादा बात ना बनाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले लेंगे हम LED बल्ब और इसे हम सेट करेंगे इसमें। तो चलिए फटाफट पहले इसको शेप देते हैं, जो कि हमें यहाँ पर इस प्रकार के शेप दे देना है जो कि अच्छे प्रकार से अटैच हो जाए। तो जो यहाँ पर तो फाइनली का यहाँ पर हमने 5 बल्ब को इस तरीके से सीरीज कर दिया, नहीं अभी ऐड इस प्रकार से कर जाए। उसके बाद फ्रेंड्स 5 बल्ब और लेना है और इसको हमें इस प्रकार से लाइट को सेट करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ग्लू की हेल्प से स्टार्ट लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सारे चीज यहाँ सारे LED बल्ब को सीरीज हमने कर लिया, जो कि आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक आपको लेना है 555 मोटर और उसमें हमें इसको सेट कर देना है मिड सेंटर पर, जाके एकदम अच्छा दिखेगा ना। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे फेविक्विक या ग्लू गम के हेल्प से और उसके बाद यहाँ पर हम एक लगाएंगे बैटरी को। तो फ्रेंड्स आप हो सके तो इसमें पत्ती लगाकर जैसे हम चेसर लाइट बनाए थे उस तरीके से भी इसे बल्ब में लाइन दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर बैटरी लगाएंगे क्योंकि थोड़ा इजी वे में बनाना चाहते हैं और कम खर्च में, तो थोड़ा आपको ऐसे ही सिंपल पड़ेगा इजी पड़ेगा। तो थोड़ा यहाँ पर बैटरी भी सेट कर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर सेट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ग्लू गम से इसे भी स्टार्ट लेंगे और इसमें एक स्विच लगा लेंगे। तो चलिए फटाफट इसको हम कनेक्शन करते हैं। हमने स्विच भी यहाँ पर लगा दिया और देख सकते काफ़ी शानदार लग रहा है। तो चलिए इसके लिए हम एक स्टैंड चाहिए क्योंकि ये हाइट पर रहेगा तब तो ये रोटेट करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक देख सकते हैं हमने पार्टी प्रॉपर का बॉक्स ले लिया और उसको हम इसको सेट कर देंगे अच्छे तरीके से ताकि। तो फाइनली गाइस यहाँ पर बनकर रेडी है मेरा डेकोरेशन लाइट जो कि देख सकते हैं। तो अभी तो उतना यूनिक नहीं दिख रहा, अगर हम इसे रात में जलाएंगे तो काफ़ी यूनिक दिखेगा। तो इस यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्पीड कंट्रोलर का भी यूज किया ताकि हम मोटर को स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अगर स्पीड में चलाना हो तो स्पीड में या कम चलाना तो कम। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप चार्जिंग मॉड्यूल भी लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट अगर बैटरी नहीं लगाना चाहते हो तो इसमें पत्ती को जोड़ को आप उस तरीके से भी कनेक्शन कर सकते हो। अभी टेम्पोरी आपको हम दिखाते हैं कैसा लुक आता है, अगर अच्छा लुक आएगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो हम अपना स्टूडियो को लाइट बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ अंधारा हो गया, पहले आपको मैं ऐसे रोटेट करा के दिखाते हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर वहाँ से चार्जर से दिया हुआ है 12 वोल्ट चार्जर से, यहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए लाइट को पहले कर लेते हैं ऑन। तो लाइट को हम करेंगे ऑन यहाँ से जो कि स्विच हमने लगा दिया है और वो भाई साहब देख सकते हैं। और थोड़ा लाइट को कर देते हैं हम ऑफ और चलिए चलाते हैं और दिखाते हैं 1 2 3। वो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा और मंदारा कर देते हैं। Just wish he knew. तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लग रहा है फ्रेंड्स, आप इसे छत पर रख सकते हो, एकदम यूनिक लगेगा, देखने वाला भी कहेगा कि वाह भाई क्या बना। फ्रेंड्स ये आपको डेकोरेशन लाइट काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर आप इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट पार्ट में एक और वीडियो डाल देंगे जिसमें बैटरी का जो इसमें सिस्टम लगाया वो नहीं रहेगा, डायरेक्ट उसमें हम जो पत्ती में ये जैसे रोटेट कर रहा उसमें हम लगा देंगे इस प्रकार के पत्ती, जो कि ऐसे बहुत सारा वीडियो है जो कि आप अगर नहीं समझ आए तो देख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट करिएगा हम जरूर बनाकर डाल देंगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय।